ये भी देखा ना टेम्पल हम कितना महंगा लगवाते हैं और यहाँ सिर्फ है 6 रुपए का। ये यहाँ का जो मास्टरपीस इसको बोलेंगे। तो भाई आज हम जा रहे हैं कुछ घर का सामान लेना है वो सब, तो मैं सोच रहा हूँ कि दिल्ली तो जाना ही, हमें कुछ काम है तो क्यों ना दिल्ली की मेन मार्केट में जाके होलसेल वाले और वहां से हम खरीद के लाते हैं। तो पहला सामान जो हमें लेना है वो है क्विल्ट। ठीक है, काफी लोग सोचते हो कि क्विल्ट क्या है, जैसे कि किसने पूछा है मुझसे, अभी अभिषेक ने, क्या क्विल्ट क्या होता है? क्विल्ट भाई क्विल्ट क्या हो सकता है यार? चलो वैसे ज्यादातर लोगों को पता भी होगा, लोकल में बहुत कम ये वर्ड यूज होता है। वैसे क्विल्ट बोलते हैं रजाई को। मेरे को गाइस पहले लगता था कि जो रजाई होती है उसको ब्लैंकेट कहते हैं, बट अब क्विल्ट कहते हैं। नहीं, क्विल्ट बोलते हैं रजाई को और ब्लैंकेट बोलते हैं कंबल को। तो अभी चलते हैं यार क्विल्ट लेने, बढ़िया सी किसी यार होलसेल मार्केट में चलते हैं जहाँ सस्ती और बढ़िया मिले। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ आप कहाँ से ले सकते हो जिस मार्केट में हम जाएंगे और कितनी सस्ती आपको मिलेगी अपने लोकल में और वहाँ पे। तो अभी जाके गाइस हम भी देखते हैं कितनी सस्ती हमें मिलती है। तो लेट्स गो, अभी चलते हैं मार्केट में और फिर वहाँ मिलते हैं। लो भाई अब पहुँच गए हम करोल बाग की पार्किंग में फिलहाल, और वो सामने जो बोर्ड दिख रहा है वहाँ से मार्केट चालू होती है। तो पार्किंग बहुत महंगी है यार यहाँ, अभी देखते हैं भाई पार्किंग कहाँ मिलेगी हमें। गाड़ी लगा दिया भाई अपनी पार्किंग में और अभी चलते हैं भाई मार्केट में चलते हैं। लो भाई ये पर्ची ले ली है, इसमें देख लो 1 घंटे के 40 रुपए और 5 घंटे के 300 फॉर फुल डे आफ्टर 5 आवर्स सॉरी। तो स्लिप इस तरीके से, इतने पार्किंग चार्जेस है इनके, फिर भी अपनी मर्जी से कई बार 100-100 रुपए चार्ज कर लेते हैं। तो थोड़ा ध्यान रखो इसमें स्लिप में जो ज्यादा मांगते हैं, अगर आप बिल्कुल मार्केट के पास जाके लगाओगे तो। अभी देखा ना टेम्पर हम कितना महंगा लगवाते हैं और यहाँ सिर्फ है 6 रुपए का, 6.5 रुपए का टेम्पर है। लो भाई तो हम इस दुकान पे आए अपनी क्विल्ट लेने, कालरा कारपेट किसी ने रेफरेंस दिया था तो इसलिए हम इस पे आए। अब देखते हैं यार इनका कितनी वैरायटी है और क्या क्या है। और ये हम करोल बाग में भाई शॉप नंबर 29, दोनों तरफ मार्केट है इधर भी और इधर भी। तो भाई चलते हैं यार शॉप के अंदर और पाजी से मिलते हैं और देखते हैं क्विल्ट घर के लिए लेने आया हूँ अभी मैं और कितनी वैरायटी है। तो हैवी वाली लेके चले गए यार, इतनी दूर आए हैं तो आपको देखते हैं कि भाई मार्केट में लोकल में और यहाँ पे कितना रेट का फर्क है वो देखते हैं। तो अभी हम आए कालरा कारपेट पे और पाजी दिखा रहे हैं हमें कितनी वैरायटी है इनके पास और जो बढ़िया से बढ़िया वैरायटी होगी वो हम लेके जाएंगे आज घर। तो अभी देखते हैं। 2200 रुपए की रेंज की रजाई है, रिवर्सेबल है, दोनों साइड से यूज कर, इसमें 10 डिजाइन आएंगे। ठीक है, इसमें भाई 10 डिजाइन आप इधर से भी यूज कर सकते हो पैटर्न और इधर से भी। एक इसमें हल्की क्वालिटी आ जाएगी, 1700 की रेंज में होगी वो, वन साइड में होगी वो। इसका प्राइस मैं आपको बता दूं कम से कम 2200 रुपए से स्टार्ट होती है ये, और हल्का फुल्का अगर आप आओगे तो पाजी वो कर लेंगे। एक ये रेंज है, ये 1700 की रेंज है, ये वन साइड यूज होगी। और ये देख लो भाई, एक साइड से आप यूज कर सकते हो। ठीक है, यही पैटर्न है इसमें, उधर से प्लेन है पूरी। और ये किस रेंज में आपने बताई? 1700 रुपए की, 1700 के आसपास आपके स्टार्ट हो जाती है। एक और इससे हैवी क्वालिटी आएगी, ये 3200 रुपए की रेंज की है, ये भी 450 ग्राम का माइक्रो फाइबर फिलिंग है, सुपर सॉफ्ट के अंदर है। अच्छा, माइक्रो फाइबर में मतलब रुई में और इसमें क्या फर्क हो जाता है? जो माइक्रो फाइबर तो लाइट वेट होता है और काफी वार्म होता है, रुई काफी हैवी होती है। और ये भी भाई एक ही तरफ से है, इस तरफ प्लेन है पूरी, इस तरफ आपको ये मिलेगा। इसमें 5 कलर आएंगे, इसके 5 कलर हैं। अरे कुछ यूनिक पीस जो सबसे हैवी है सबसे वो दिखा दो आप। ये लीजिए सबसे टॉप की आइटम है भैया, नीचे इसके शेरपा वूल लगी हुई है, चाहे बर्फ भी बढ़ रही हो किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। शेरपा वूल मतलब क्या समझे उससे हम? ये वूल लगी होती है ना, इम्पोर्टेड वूल है ये, सारे इम्पोर्टेड पीस है सारे ये। ये देख लो यार, देखने में भी लग रहा है कुछ यूनिक सा। यूरोप वगैरह में यूज होता है ये मटेरियल, पीछे लगा होता है ना यूरोप के अंदर, वही मटेरियल है ये। देख रहे हो यार इसकी देखो फिनिशिंग देखो, अगर इनसे हम कंपेयर करें तो बिल्कुल ही अलग है। तो भाई हम तो आज घर पे ये वाली ले जाने वाले हैं। इसमें 5 कलर है, इसमें पैटर्न भी आता है कोई या प्लेन भी आता है, कलर अलग अलग मिल जाएंगे। अच्छा, तो देख लेगा इस अभी आपने, ये यहाँ का जो मास्टरपीस जिसको बोलेंगे। ठीक है, ये शेर कौन सी वूल? शेरपा वूल, कितने माइनस टेम्परेचर में हो ये आपको वही गर्म ही रखेगी। इसमें ये कलर है भाई, ये 5 कलर है जो आप इसमें चूज कर सकते हो कोई भी। और इसका आपने प्राइसिंग नहीं बताई। ये सर 3850 रुपए की, ये 3850 से जो अब स्टार्टिंग है। भाई पाजी ने कहा है जो ये वाइन कलर है ये बड़ा चलता है, वाइन कलर और देखते हैं हम और फिर डिसाइड करते हैं इसमें से और वाइन कलर में से कौन सी आज घर लेके जाते हैं हम। ये 2 कलर है, एक ये वाइन है और ये देखा, और मुझे तो ये वाइन ही अच्छा लग रहा है, थोड़ा यूनिक सा भी है और अभी तक घर पे था भी नहीं और अपने लोकल मार्केट में ऐसे कलर देखने को भी नहीं मिलते। ये क्वालिटी भी लोकल मार्केट में नहीं मिलेगी। हाँ वही मैं देख रहा हूँ, काफी अच्छी है। तो भाई हम चूज करते हैं वाइन कलर और इसको पैक करवाते हैं और अभी घर लेके चलते हैं। लेट्स गो। थैंक यू पाजी, थैंक यू सो मच, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं फिर आएगा आपके पास। चलो भाई तो चलते हैं, अब ले लिया हमने ये और चलते घर की तरफ। पाजी का जो बिहेवियर था बहुत अच्छा था, बहुत पोलाइट था, तो अब चलते हैं यहाँ से। चलो भाई तो कारपेट शॉप थी वहाँ से हमने ले लिया अपने क्विल्ट। अरे क्विल्ट क्या है? रजाई। मैं इसको बार बार छेड़ूंगा मैं।
चलो भाई तब मार्केट से निकलते हैं और चलते हैं घर की तरफ। ठीक है भाई, टेढ़े थोड़े हो गए हैं, इसको उठाने के चक्कर में बार बार यूं हो रहा है। चलो भाई तो अब निकलते हैं, देखते हैं एक दो काम हो रहा है, अगर टाइम बचा तो वहाँ चले गए। तो भाई अब हम आ गए पार्किंग में, अपनी गाड़ी में बैठते हैं और निकलते हैं। अभी भाई हमें चांदनी चौक जाना है, एक दो जगह और जाना है। अगर हमें टाइम मिला, गूगल मैप पे चेक करूँगा, अगर वहाँ पे दिखाया बहुत ज़्यादा टाइम तो हम चलने वाले हैं नहीं, और अगर दिखाया कि अभी जल्दी पहुँच जाएंगे तो लेट्स गो भाई चलते हैं। और अभी गाड़ियाँ बैठते रहे, चाबी पार्किंग वाले के पास है, पार्किंग वाले को बुलाया जाए। लो भाई, ये भाई आ गया चाबी देने, आवाज़ मारने के बाद आए इतने दूर से। हैं कितने हो गए? 80 रुपया। लो भाई 80 रुपया भाई को देते हैं पार्किंग का, फिर चलते हैं। ठीक है चलो भाई चलते हैं, गाड़ी पे बैठते हैं अपनी, बैठ के भाई गाड़ी में और अब चलते हैं भाई घर की तरफ। अपना सामान वगैरह सब रख रहा है अभिषेक अभी। लो भाई सामान हमने रख दिया और अब निकलते हैं यहाँ से, लेट्स गो। अभी मैं आपको दिखाता हूँ यार, एक जगह बाईपास पे जब ऊपर जाम होता है तो वहां से एक गुप्त रास्ता है नीचे से आने का जो चुपचाप है, तो वहां से निकालता हूँ मैं गाड़ी। ये देखो यार ऊपर ये थोड़ा मतलब स्लो है, लेकिन मैं दिखाता हूँ अभी जा रहे हैं हम। भाई यहाँ भी हैवी ड्राइवर ना आए, जो सही चलाता है ड्राइवर वो आए, यहाँ हैवी ड्राइवर की जरूरत नहीं है क्योंकि टर्न बहुत शार्प है यार। भाई जो इस गुफा से हम निकले तो सारा बाईपास का जो जाम था वो रह गया ऊपर, ISPT से हम आ रहे थे और अब सीधा हम निकले गए, पूरा जो भी जाम था वो जो ऊपर से सीधा रोहिणी जा रहा था, ISPT से जो रोहिणी जा रहा था वो सारा जाम साइड में हटके, और देखो हम कहाँ निकले हैं। ये देखो यार पूरा बाईपास पीछे रह गया और सीधा आगे निकले हम, अपने नरेला की तरफ निकले। नीचे नीचे से हम गाड़ी लेके आ गए हैं और अब सामने देखो यार कोई जाम नहीं, फुल टू क्लियर। ये लेफ्ट में है हमारे ट्रांसपोर्ट नगर, कभी भी अगर बाईपास जाम में फंसते हो तो आप ये रास्ता ले सकते हो और सारे जाम से बाहर निकल सकते हो। और ये तीनों चारों तरफ से आता है, अगर आप रोहिणी की तरफ से आ रहे हो, जाधपुर की तरफ से आ रहे हो, ISPT की तरफ से आ रहे हो, तो हर जगह से आप इससे निकल सकते हो। चलो गाइस तो अब चलते हैं घर।